एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्वेश्चन नंबर 34। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ux इज इक्वल टू 210^6। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर इज 9.1 × 10^2, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। ओके, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1.33 का कंटिन्यूएशन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1.33 का जो रिजल्ट है वो आपको याद होना चाहिए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था। अपन ने फाइंड किया था sy इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 m इंटू वी एक्स का होल स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1.33 का रिजल्ट था। ओके, ये याद होना चाहिए, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1.33 क्या था। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है जो वी एक्स स्पीड से जा रहा है, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये इस तरह से मोशन करेगा और एक टाइम पे पॉजिटिव प्लेट को टकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की अपने को लेंथ नहीं दे रखी, नहीं नेगेटिव प्लेट की लेंथ दे रखी, यानी कभी न कभी तो ये टकराएगा, ये श्योर है। तो ये कितने डिस्टेंस पे जाकर टकराएगा ये अपने को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ओके, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपना एल होगा, तो ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला ये अपने पास है, फॉर्मूला अपन 1.33 से लेके आए थे, वैल्यू पुट कर लो डायरेक्टली। ओके, तो देखो एस वाई इज इक्वल टू दे रखा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस वाई इंटू 2 m v x वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्यू ई अपना एल स्क्वायर आ रहा है। ओके, यानी एल इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ एस वाई 2 m v x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ई। वैल्यू पुट करो एस वाई कितना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। देखो अगर इसने मोबाइल ने बॉटम मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया हो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एस वाई हो सकता है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, यानी 10^-2 लिखेंगे। ओके, इंटू 2 इंटू मास कितना होगा, 9.1 × 10^-31। वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 10^6 का 12। ओके, और क्यू कितना चार्ज, 1.6 × 10^-19। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 9.1 × 10^2। सही है, ओके, तो सोल्व करो इसको, कितना आता है, ये आएगा आपका 0.025 × 10^-2। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5 × 10^-4, या फिर बोल सकते हैं 1.581 × 10^-2, राइट, या फिर अपन लिख सकते हैं अप्रॉक्स की 1.6 × 10^-2, या फिर लिख सकते मीटर में आएगा, या बोल सकते हैं 1.6 सेंटीमीटर, यानी 1.6 सेंटीमीटर अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा फिर ये पॉजिटिव प्लेट को स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद में इसका डिफ्लेक्शन उतना हो जाएगा, कितना एस वाई जितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये अपन ने क्वेश्चन 1.33 में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट की और आंसर निकाला कि कितना डिस्टेंस पर जाकर ये स्ट्राइक करेगा, 1.6 × 10^-2 मीटर, या फिर 1.6 सेंटीमीटर पर जाकर पॉजिटिव प्लेट को स्ट्राइक कर जाएगा।